कहानी सुनाते, सबको सुनना है और उसको याद भी रखना और लोगों को सुनाना भी है। अरे बैठो बैठो, सुनना है कि नहीं सबको? नींद तो नहीं आ रही? हाँ, कहानी थोड़ी कठिन है, ठीक, हर चीज थोड़ी कठिन बताता हूँ। और अभी वो एक रुपये का दिमाग नहीं तो होगा, 26 रुपये कैसे हो गए 25? वो अलग चल रहा होगा कि वो 1 रुपये कहाँ से आए। राम भाई भी सोच रहा हूँ कि 1 रुपये कहाँ से आए। तो भाई मैंने तो 26 बताया, मैं बाद में बताऊंगा कि 1 रुपये कहाँ से आए। रानी दुर्गावती जब अपना राज्य करते थे तो राज का हाल चाल जानने के लिए, राजकाज का प्रभु देखने के लिए वो जंगल में जाते, इंटरियल गाँव में जाते, क्योंकि उनके जो उनके जागीरदार हुआ करते थे, जो उनके नंबरदार हुआ करते थे, जिनको हम लोग राजा बोलते हैं, जागीरदार बोलते हैं, तो ये लोग कैसा शासन कर सकते हैं, ये लोग ठीक से शासन कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को सही न्याय दे रहे हैं कि नहीं, इनकी न्याय व्यवस्था तर्कशील है कि नहीं, ये सब चेक करने जाते हैं। तो एक बार वो भेस बदल के इधर आपके मंडला तरफ एक छोटे से गांव में चली, वहाँ गई तो एक पेड़ के नीचे रामवती और श्यामवती नाम की दो महिलाएं महुए बीन गई। महुए होते कि नहीं उधर आपके तरफ? बीने के नहीं सब? महु के लिए झगड़ा भी होता गाँव में, तो वो महुए बीन रही थी। तो रानी दुर्गावती उनके साथ बैठ गई जाकर। तो जनजाति में एक संस्कृति है कि कोई व्यक्ति कितने बजे आए, रात में 12-1 बजे भी आए तो उसके लिए तुरंत क्या करते हैं, कलेवे बनाते कि नहीं बनाते, भोजन पानी बनाते कि नहीं, रसोई उसके लिए बनाते, लेकिन शहर में ऐसा नहीं करते। जैसे राम भाई के गाँव जाओ तो उनकी मम्मी तुरंत खाना बनाते।